नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का NBT लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन तीन राशियों के बारे में जिनको सामाजिक स्तर पर सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और इसका कारण ये है कि ये तीनों ही राशियां बातचीत करने में बहुत अच्छी होती हैं, सोशल लाइफ में इनको अच्छे परिणाम हमेशा हासिल होते हैं। ये तीन राशियां कौन कौन सी हैं और कौन से गुण इनमें देखने को मिलते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, जिन तीन राशियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो तीन राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। ये तीनों ही राशियां वायु तत्व की हैं। इन तीनों राशियों के स्वामी कर्मशः बुध, शुक्र और कुंभ हैं, जिन तीनों को आपस में मित्र भी माना जाता है। इसलिए इन तीनों राशियों के लोग भी आपस में अच्छे मित्र हो सकते हैं। इन तीनों ही राशियों की बोलने की कला सबसे बेहतरीन होती है। ये अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान नहीं रहा है और उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि इनको मनाइए, तो ये किसी ना किसी तरीके से उनको मना सकते हैं। अपने बोलने की कला से ये राजनीति के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही क्रिएटिविटी भी इनके अंदर देखने को मिलती है। इनको जो भी काम दिया जाता है उसमें ये कुछ ना कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनमें चंचलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व कभी भी एक जगह पर ठहर कर नहीं रहता। इसलिए ये जल्दी जल्दी किसी भी चीज को स्विच कर सकते हैं, यानी कि अभी इस काम में लगे हुए हैं और अचानक से इनका मन ऊब गया और ये किसी दूसरे काम को करने लगे, तो ये इनकी कमजोरी भी कही जाती है। इसलिए इन तीनों ही राशि के जातकों को योग ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर ये योग ध्यान करते हैं तो अपनी रचनात्मकता को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं और उससे ये भविष्य में लाभ भी पा सकते हैं। दूसरी चीज, इन तीनों ही राशि के जातकों को समझना आसान नहीं होता। फिर चाहे प्रेम जीवन हो, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में ये कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं जिससे सामने वाला इनको समझ नहीं पाता। मान लीजिए ये वैवाहिक जीवन में है, इनका जीवन साथी सोचेगा कि वो इनको पूरी तरह से समझता है, लेकिन कुछ ना कुछ ये ऐसा नया कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जिससे इनके जीवन साथी को लगेगा कि यार पूरी तरह से मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ। वायु तत्व की राशियों में एक गुण ये भी देखने को मिलता है कि ये बेहद मिलनसार होते हैं, यानी कि अगर आप इनसे मिलते हैं तो आसानी से ये आपसे घुल मिल सकते हैं और आपकी बातों को ये समझते भी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमेशा आपके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि वायु तत्व का होने के कारण ये अक्सर अपने दोस्त भी जल्दी जल्दी बदल सकते हैं। वायु तत्व की राशियों का एक गुण ये भी है कि ये एडवेंचरस कार्यों में हमेशा हिस्सा लेते हैं और इनको एडवेंचरस कार्यों में सफलता भी मिलती है। अगर ये इन क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, जो भी एडवेंचरस कार्य से जुड़े क्षेत्र हैं उनमें अगर ये आगे बढ़ें तो ये सफल अवश्य होते हैं, क्योंकि वहाँ ये अपनी रचनात्मकता भी लगाते हैं और इनका जल्दी जल्दी काम करने का जो तरीका होता है वो भी इनको सफलता दिलाता है। आइए बात करते हैं कि किन लोगों के साथ वायु तत्व की राशियों की अच्छी पड़ती है। तो अग्नि तत्व की राशियों के साथ, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के साथ ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हालांकि वायु तत्व की राशियां आपस में मित्र भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छी दोस्ती इनकी अग्नि तत्व की राशियों के साथ मानी जाती है। इनका नकारात्मक गुण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते हैं, और यही इनकी सबसे नकारात्मक बात है। अगर ये एक जगह पर टिक के काम करते हैं, फोकस्ड नजर आते हैं, तो समझ जाइए कि ये सबसे बेहतर तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं। इसलिए इस राशि के जातकों को फोकस्ड रहने की बेहद आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये तो हुई वायु तत्व की राशियों की बात, उनके कुछ सकारात्मक पक्षों की बात और नकारात्मक पक्षों की बात। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी है, आप जूझ रहे हैं आर्थिक परेशानी से या पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हैं या फिर किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आपको योग्य ज्योतिषाचार्यों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ज्योतिषियों से सही सलाह मिल सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT लाइव। नमस्कार।